السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم ناظرین اکرام एक अहम मौजू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ज्योतिषी नजूमी काहिन के पास जाना कैसा है? देख लीजिए, कुछ लोग हाथ दिखाने के लिए चले जाते हैं, मेरी डिग्री बनेगी, क्या होगा, मैं कब कारोबार शुरू करूँ, जरा मेरे हाथ देख के बताइए। तो कुछ लोगों का कोई चीज गुम हो जाता, किसी के पास जाते, अंडा काटते, क्या होगा, सामान कहाँ चला गया, कैसे मिल पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं, अरे देखिए तेरे घर में खजाना है, इसके अंदर दफन है, तो क्या करने का। मेरे भाइयों, जो कोई भी नजूमी के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, वो सही नहीं है। ज्योतिषी के आपने बारे में बता सकता है, वो कम मरेगा, जिसको अपनी खबर नहीं दूसरे की क्या खबर देगा। मुसनद अहमद जिल नंबर 2 सफा नंबर 429 हदीस नंबर 9536 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन अव अर्राफन फसद्दकहु बिमा यकूलु फकद कफर बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कोई काहिन के पास, अर्राफ के पास गया और उसके बाद उसकी तस्दीक कर दी, जो उसने कहा उसको मान लिया, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चीज उतारी गई है उसका इनकार कर दिया। कुछ लोग क्या होते, पिछली बात बताते क्या हुआ था, कुछ लोग आइंदा क्या होगा उसके बारे में बताते। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के पास मत जाइए, अपने जेब ढीली मत कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। और आप गौर कीजिए, अगर ऐसे ही से काम चल जाएगा तो हॉस्पिटल, डॉक्टर ये सब क्या करेंगे, सब तो बंद कर देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, जरा अक्ल से भी काम लीजिए। बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, तकलीफ में डालने वाला अल्लाह, तकलीफ से निकालने वाला अल्लाह। अंडा काटने से या खजाना बताने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह देना चाहेंगे, लिखा हुआ है तो कहीं भी रहेगा तो आपके मुंह में आ जाएगा, और नहीं लिखा हुआ तो मुंह से आकर भी चला जाएगा, अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तौहीद को मजबूत कर लीजिए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।